दोस्तों, जो हमारे लोग आज की डेट में जिन लोगों ने क्रोशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है या अप्लाई कर रखा है, अभी उनका वर्क परमिट क्रोशिया से नहीं आ रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने वर्क परमिट क्रोशिया से ले लिया है, यानी कि जिन लोगों का क्रोशिया से वर्क परमिट आ गया है, आगे का प्रोसेस क्या है, आपको उसके साथ साथ क्या क्या चीजें रेडी करके एम्बेसी के अंदर किस तरह से अपनी फाइल भेजनी है, यानी कि सबमिट करवानी है, और आज की डेट के का डिसिप्लिन है एम्बेसी का, क्या कानून है, क्योंकि जो पहले कानून था एम्बेसी का, आज की डेट में थोड़ा चेंजेस हो चुका है पिछले 1-2 महीने से। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, जिससे उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट है वो यानी कि इंडिया के 2000 अराउंड की है, जिससे दोस्तों वो अपॉइंटमेंट निकल जाती है क्योंकि उनके पास उस तरीके से उनकी फाइल रेडी नहीं होती। तो वो क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और आगे कितना टाइम लग रहा है, क्या प्रोसेस जो है जो चेंजेस हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज, जो नए लोग हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करा करो दोस्तों, ताकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको नई से नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हमारे इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो किसी और देश से हैं, जो क्रोशिया के अंदर अपना उनका या तो ऑफर लेटर अभी आ चुका है, यानी कि उनका वर्क परमिट नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, आप घबराए नहीं, क्योंकि पहले था जो 1 मंथ के राउंड में वहां से वर्क परमिट आ जाता था, जैसे आपका आपकी अप्रूवल मिलती थी, आपको ऑफर लेटर मिलता था, उसके बाद उनको यानी कि मिनिमम 20 डे के राउंड में आपको वर्क परमिट मिल जाता था, 1 मंथ के अंदर ही। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पे टाइम लग रहा है, क्योंकि वहां से कम 8 वीक उन्होंने कर दिया है। आप क्रोशिया की वेब VFS ग्लोबल यानी कि कहीं पे भी जाके आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, तो वहां पे दोस्तों यानी कि 8 वीक उन्होंने लिख रखा है, यानी कि मिनिमम 2 मंथ यानी कि 2 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट वहां से आ जाएगा। आप घबराए नहीं जिन्होंने वर्क परमिट दोस्तों अप्लाई कर रखा है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया, हमें वर्क परमिट नहीं आ रहा है। और कई बार जैसे इस महीने दिसंबर के अंदर छुट्टियां भी होंगी, अब क्रिसमस भी आ रही है, तो क्रोशिया के अंदर, यूरोप के और देशों के अंदर भी दोस्तों इस महीने के अंदर जो वर्किंग डे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस महीने के अंदर छुट्टियां ही होती हैं। इसके बाद दोस्तों, चलो जैसे आप घबराए नहीं, आपको वर्क परमिट 10-15 दिन या 1 मंथ की कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो जाता है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। और कुछ लोगों के मन में ये भी है, अगर ये शनगन हो गया तो शायद हमें नहीं, दोस्तों इतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो वर्क परमिट यानी कि अप्लाई हो चुका है और वो मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह की कोई दिक्कत, चाहे वो शनगन में भी हो जाएगा, आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, थोड़ी सी डिसिप्लिन, थोड़े से आगे जाके चेंजेस हो सकते हैं, बस इतने ज्यादा नहीं, एकदम से कुछ होता। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाता है, तो आज की डेट में क्या हो रहा है, जैसे हम काफी लोगों को पता नहीं है, तो वो पुराने हिसाब से दोस्तों, जो पिछले टाइम में जो एम्बेसी का जो वीजे का टाइम था दोस्तों, वो 1 मंथ प्रोसेसिंग टाइम था, तो आज की डेट में दोस्तों यानी कि 2 महीने प्रोसेसिंग टाइम हो गया है। एम्बेसी कहती है हमें 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम दे के चलो, आपने जिस डेट को जाना है वो एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, और आपने उसके साथ टिकट लगानी होती है, एक अपनी कंफर्मेशन नंबर, और आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करानी होती है, तो आप 2 महीने के बाद की रखें जो आपकी ट्रेवल डेट है, यानी कि आप 2 महीने जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो आपकी अपॉइंटमेंट से, उस दिन से आपकी ट्रैवल डेट 2 महीने बाद की होनी चाहिए, और उसी तरीके से आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस इसके अंदर मिनिमम 1 मंथ की होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों उसी के हिसाब से आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और दोस्तों उसी के हिसाब से आपका एक कवर लेटर, उसके अंदर भी इसी आपका आपकी जो इंट्रोडक्शन होती है, और आपकी उस कंपनी का भी अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे जिसने आपको वर्क परमिट भेजा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप कंप्लीट करके, और अपनी जो PCC होती है उसकी फोटोकॉपी, और आपका जो उधर से वर्क परमिट आता है वो साथ में,
और उसकी कॉपी एक साथ में जरूर रख लें। तो ये सारी चीज़ें अपना पासपोर्ट और अपनी फ़ोटो वीजा अप्लीकेशन फॉर्म के साथ दोस्तों, और अपना वहाँ पे वीजा अप्लीकेशन फॉर्म लॉन्ग स्टे यानी कि कैटागरी डी ही आप अप्लीकेशन फॉर्म लें और उसको फिलअप करें और सिग्नेचर करें और अपना सबमिट करा दें। दोस्तों काफ़ी लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उस दिन उनको जो VFS ग्लोबल की जो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो दोस्तों 2000 राउंड की अराउंड में मिलती है हमारे इंडिया के हिसाब से। जैसे दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, आप दोबारे फिर जाते हो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके, तो आपको फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आपका 2000 रुपया यानी कि इंडियन रुपया हमारा, तो दोस्तों आपको फिर पे करना पड़ेगा तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो दोस्तों घबराएं नहीं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनका भी याद आएगा, जिस कंसल्टेंसी से आपने अप्लाई कर रखे हैं उनके टच में रहिए, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जिनका एम्बेसी के अंदर है तो पहले 1 मंथ के अंदर आ जाता था, आजकल उनको 1.5 महीना लग रहा है, तो वो भी घबराए नहीं, 2 महीने लग रहे हैं वो भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर आपका वीजा जल्दी आ भी जाता है तो लेकिन जो ट्रेवल डेट है आपके 2 महीने बाद की वीजा, तो तभी से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपने नॉलेज में रखनी है। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए और न्यू वीडियो आपके लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।